What color is that? Look. What color is that? Pink. And what color is that? Red. And what color is that? Tell me, what color is green? And what color is that? Tell me, what color is that? Musa, tell me, what color is that? No, you don't want to tell me. Hello, Musa, what color is that? Blue. Yes. What color is that? What color is that? Hello, what color is that? Green, yes. Blue, yes. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ बड़ी आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो है ना, ये बहुत ही आसान है। इसमें आप ना बच्चे को लंच में दे सकते हैं, आप स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं, या किसी भी टाइम दे सकते हैं। बड़ी मज़े की होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसने कैबिन खोला है और निकालना शुरू कर दिया है चीज़ें। मूसा, लुक एट मी। मूसा बेटे, यस। अच्छा जी, इसको मैंने इसलिए आड़े लगाने के बाद ये मैंने काम शुरू किया है, ठीक है। इसमें दो आलू लिए हैं मैंने, दो को बॉयल करने के बाद इनमें थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा फुल बॉयल नहीं किया, हाफ बॉयल करने के बाद इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये मैंने लिया कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स को मैंने क्रश कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ये इसको आप इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें लिया ब्लैक पेपर लिया है, ठीक है। इसमें नमक जाएगा थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसको क्रश कर लेंगे, क्रश करने के बाद हम इसमें कर देंगे मिक्स ये वाले जो कॉर्नफ्लेक्स हैं। अच्छा जी, इसमें हमने ये मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। इसमें हम हाफ चम्मच जो है, क्योंकि मैंने आलू बॉईल करते हुए नमक डाला था, तो इसमें हम नमक डाल देंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो इस तरह ब्लैक पेपर डालूंगी, ठीक है। इससे टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे मैश। अच्छा जी, आलू मैश करने के बाद ये सारा जो है मेज़ा इस तरह का बन जाएगा। अब हम इसके छोटे छोटे कटलेट्स बना लेंगे। गाइस ये देखें, ये मैंने इसको मैश करने के बाद, इसमें चीज़ें मिक्स करने के बाद ये इसको बना लिया इस तरह शेप में। ये मैक्सिमम आप 1 से 2 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें इसको 1 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर लें, और इतने ही बनाएंगे। मूसा जो है ये मुझे नहीं टिकने दे रहा, तो इतने ही बनाएं कि जो आप आसानी से बच्चे को 1 से 2 दिन में दे दें। ये हमारा बच्चा है। हेलो, से हेलो, से हेलो। तो ये देखें जी, ये मैंने बना लिया। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। इसके साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी गाइस, अब मैं इनको ना फ्राई कर लूँगी। इनको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसी तरह फ्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनमें कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया है। तो ये आप 1 से 2 से 3 स्नैक दे सकते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे को ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैं मैक्सिमम 2 दिन के लिए यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैं फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी रियल शेप। ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। इनको आपको ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये बिल्कुल वो मतलब हैं पके हुए, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटी इस तरह। और ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह की शेप कलर जब आ जाए तो आपने इनको उतार लेना है। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किसके साथ देने हैं बच्चे को, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है। हम तैयार बंद कर दे।
अच्छा जी गाइस, ये रेसिपी जो है ये कंप्लीट तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये वेरी इजी स्नैक है। ये आपके बच्चे को किसी भी टाइम दे सकते हैं, मतलब लंच में दे सकते हैं आप, स्नैक्स के तौर पे शाम को दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि उनको केचप के साथ ना दें, गार्लिक मायो ले लें या ये दूसरी वाली ये डिपिड सॉस ले लें। ये दोनों बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो इससे गला ख़राब होने का खदशा नहीं होता बच्चे का। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये अपने बच्चे को दें, वेरी इजी रेसिपी, ठीक है। तो और स्पेशली मैंने ये कहना था, फ़लस्तीन के लिए हर कोई दुआ करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और हम कुछ कर नहीं सकते तो हम एटलीस्ट उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, और डोनेट करें ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू, ताकि हमारे बहन भाइयों तक मदद पहुंच सके। और ये देखें इसकी हरकतें चेक करें, ये जो है ना यासीन आया है पता नहीं कोई काम करने, तो यासीन के पीछे पीछे अब ये भाग रहा है, और इसके पीछे पीछे मैं होती हूँ, क्योंकि जी शाम का टाइम है, गाड़ी उठा के फिर रहा है, कहीं गिरी ना जाए, चोट ना लग जाए। तो ये देखें, ये कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। तो खैर, मूसा की तो यही हरकतें रहनी है अब, मूसा ने अब इसी तरह भागते रहना है। कमरे को मैस किया हुआ है इसने, अब कमरा साफ़ करवाती हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी जो है पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।